हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ देविका, देविका असम लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए, मैंने आज अपना ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, तो हस्बैंड भी अभी बस अभी अभी वो भी मार्केट गए हैं। तो इसके बाद मैं और आदि अभी हम दोनों ही घर में हैं। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने आज अपना ब्लॉग शुरू किया। तो ये देखिए, अभी घर की हालत एकदम से खराब है। मैंने बस सुबह घर में झाड़ू लगाया था और घर में मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर बेड वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं, तो ये भी मुझे ठीक करना है। और आज मैं ये बेडशीट और फिर ये पिलो कवर्स ये सब मैं चेंज करूँगी। कवर्स मैं आज मैंने नहीं निकाला, वो बस अंदर है, तो उसको मैं आज नहीं लगाऊंगी, इसी को धोकर फिर लगा दूंगी। क्योंकि पिलो कवर जो है मेरे अंदर थे, वो मुझे मिल नहीं रहे, कहाँ रख दिया मैंने पता नहीं, वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो अभी मैं बस यही वाले पिलो कवर अभी मैं धोकर फिर लगाऊंगी। तो अभी मैं पिलो कवर और बेडशीट ये सब चेंज करूँगी, पिलो कवर नहीं बेडशीट चेंज करूँगी। और पिलो कवर मैं खोल कर रख दूँगी और आज मैं कपड़े नहीं धोऊँगी। मैंने बस अलग से कुछ रखा हुआ है धोने के लिए, तो वही सब मैं धोने वाली हूँ। और बेड का जो बेडशीट और ये जो पिलो कवर से, तो ये मैं आज नहीं धोऊँगी, ये मैं बस खोल के रखूँगी। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने किचन वगैरह सब कुछ साफ कर लिया। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैंने किचन को साफ कर लिया था, तो अभी मैंने बस किचन साफ करके और उसके बाद अभी मैं वो वाला रूम भी साफ करूँगी, जो कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये वाला रूम साफ कर लेती हूँ, तो फिर मिलते हैं बाद में, देखते रहिए अगला। और ये देखिए, मैंने घर पूरा क्लीन कर लिया है अभी, और आदि घर में ही है, वो ब्रांडे में खेल रहा है। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर पुच्ची आराम से सो रहा है, और उसको देखकर बस मैं भी आ गई उसके पास। और इसके बाद मैं आटा भर रही थी, तो तभी आदि भी आ गया और उसको आटा भरना था डिब्बे में। तो ये देखिए, आदि आज मुझे हेल्प कर रहा है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और मैंने आदि को भी नहला दिया था। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने परवल आलू को बस फ्राई करके रख दिया है यहाँ पर, और फिर प्याज टमाटर ये सब काट के रखा हुआ है। और यहाँ पर है हरा मिर्च, अदरक और लहसुन को मैंने यहाँ पर कूट लिया है, और फिर एक तेज़पत्ता और एक लाल मिर्च मैंने यहाँ पर ले लिया है, और फिर मसाला। तो अब मैं बनाऊँगी परवल आलू की सब्ज़ी। तो तेल में मैंने दे दिया है यहाँ पर थोड़ा सा जीरा, प्याज, एक तेज़पत्ता और जो चिली मैंने रखा था वो। और अभी ये जब थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी परवल आलू और फिर टमाटर। और मैंने परवल आलू को पहले ही भूंज कर ही रखा हुआ था, थोड़ा सा गोल्डन करके मैंने इसको पहले ही फ्राई करके रखा हुआ था। और यहाँ पर मैंने जो कूट कर रखा हुआ था अदरक लहसुन और हरा मिर्च, तो उसको भी मैंने यहाँ पर मिला दिया है। और इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा टाइम फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी मसाले। तो नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिए हैं, तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी हल्दी, जीरा पाउडर और फिर धनिया पाउडर। और मसाले ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, और थोड़ा सा पानी मैं बाद में ऐड करूँगी। जब ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। और ये देखिए, ये भुन गया है, तो अब मैं यहाँ पर पानी भी ऐड कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से भुन लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और इसमें मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा ये ग्रेवी जैसा ही मैं बनाऊँगी सब्जी इसकी। तो ये देखिए, मैंने पहले तो इसमें पानी ऐड कर दिया था, फिर मैं इसको अच्छी तरह से चला के
ढक्कन देकर मैं इसको 5-10 मिनट के लिए इसे ढककर रख दूंगी लो फ्लेम में। और जब यह सब्जी एकदम से बन जाएगी तब मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला। और ये देखिए मेरा दोपहर का लंच एकदम से रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने रखा है परवल फ्राई करके, और फिर मैंने आज बनाया दाल, और फिर मैंने सब्जी बनाई परवल आलू की। तो यही है आज का हमारा दोपहर का लंच, और इस टाइम हमारा लंच हो गया है। और लंच करने के बाद आज मैं बस सोच रही हूँ कि थोड़ा सा नेल कलर लगा लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से सोच ही रही थी कि लगाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि दोपहर का टाइम ही मुझे मिलता है और इस टाइम मैं करने बैठ जाती हूँ मेरी एडिटिंग, तो ऐसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए आज सोचा कि बस फटाफट से थोड़ा टाइम मतलब अपने लिए निकाल लूं, क्योंकि मुझे आज इतना वॉइस ऐसा रिकॉर्डिंग करना नहीं था, तो इसीलिए सोचा कि आज ही मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लूं। और फाइनली आज मैंने थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल लिया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो अभी मैंने चाय भी बना लिया, और जो भी मुझे पूजा वूजा करना था तो वो भी मैंने कर लिया, और उसके बाद मैंने बनाई थी चाय, और अभी हम लोग पीने वाले हैं चाय बिस्किट के साथ, और आधी रोटी खाएगा, क्योंकि मैं उसके लिए रोज़ ही रोटी रख देती हूँ सुबह बना के, तो वही वो शाम को भी खाता है। और इसके बाद मैं एकदम से 9-9:30 बजे ही फिर किचन में आई थी खाना बनाने के लिए, और इतना टाइम मैं आदि को लेकर बैठी थी, क्योंकि आदि का होमवर्क कराना था, तो इसीलिए मैं बस थोड़ा सा लेट हो गया था। तो 9-9:30 बजे मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं बनाऊंगी पूड़ी, और फिर मैं आलू की भाजी भी बनाऊंगी, बस सिंपल सा भाजी बनाऊंगी हल्दी और नमक के साथ, और फिर पूरी। और मैंने दोपहर को जो सब्ज़ी बनाई थी परवल आलू की, तो वो सब्ज़ी भी है तो हो जाएगी, और दाल भी मैंने बनाया था तो दाल भी बचा हुआ है। आलू भाजी होते होते मैं बस आटा भी गूंद लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आटे में ऐड किया है थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और नमक, और फिर मैं आटे को थोड़ा सा गुनगुना पानी के साथ डो बनाऊँगी, और डो को मैं एकदम से रोटी के जैसा एकदम से सॉफ्ट नहीं करूँगी, थोड़ा सा हार्ड टाइप का ही मैं बनाऊँगी डो, इससे अच्छा होता है पूड़ी। और चीनी अगर हम पूड़ी बनाने के टाइम अगर ऐड करें तो पूड़िया खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चीनी भी ऐड करती हूँ। और ये देखिए आलू का भाजी हो गया है, और इसे मैं एकदम से गोल्डन करके बनाई हूँ, और इसके बाद अभी मैं बनाऊँगी पूड़ी। और आदि को देखिए इधर से उधर उधर से इधर कर रहा है, और मुझे बार बार पूछ रहा कि हो गया ना मम्मी आपका सारा काम हो गया ना, अभी आप पूरी बनाओगी ना, तो मुझे बार बार वो पूछ रहा था आकर सामने से। तो ये देखिए अभी मैं बस फटाफट से पूरी बना लूँगी, और इसके बाद हम लोग करेंगे डिनर, क्योंकि बस मेरा सब कुछ काम अभी हो ही गया है, बस हम लोग डिनर करेंगे। और डिनर करने के बाद मैं बर्तन वगैरह रात को नहीं धोती, और इस टाइम बहुत ही गर्मी लग रही थी, और आप लोग देख सकते हो मैं एकदम से पूरा सा भीग गई थी पूरा। तो ये देखिए मेरी पूरी एकदम से फुली फुली और फिर गोल्डन, बहुत ही अच्छा बना था पूरी। तो आप लोग भी ऐसे बनाइएगा पूरी को,
थोड़ा सा चीनी ऐड कीजिएगा नमक के साथ और फिर थोड़ा सा रिफाइंड। तो यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। मैंने सारा दिन क्या 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 नहीं किया सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।